श्रीलंका टीम ने जीता तीसरा वनडे मुकाबला, रचा इतिहास, देखे 3 मिनट में मैच का पूरा हाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्रीलंकाई टीम ने वर्षा बाधित तीसरे वनडे में भारत को शुक्रवार को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। शिखर धवन ने अपनी कप्तानी में पहली ही सीरीज में जीत दर्ज की। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की पारी 43.1 ओवर में 225 रन पर सिमटी। DLS नियम के तहत श्रीलंका को 47 ओवर में 227 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने अविष्का फर्नांडो 76 की शानदार पारी की बदौलत 39 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम को पहला झटका विनोद भनुका 7 के रूप में जल्दी लग गया और वह 35 के टीम के स्कोर पर कृष्णप्पा गौतम का शिकार बन गए। इसके बाद अविष्का फर्नांडो और भनुका राजपक्षा 65 ने संयमित अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया और दूसरे विकेट के लिए 109 रन जोड़े। राजपक्षा ने 56 गेंदों की शानदार अपनी पारी में 65 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल रहे। राजपक्षा को डेब्यू वनडे खेल रहे चेतन सकारिया ने शिकार बनाया। इसके बाद धनंजय डिसिल्वा 2, चरित असलंका 24 और कप्तान दसुम सनाका 0 जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन फर्नांडो जमे रहे और रन गति को भी बढ़ाते रहे। उन्होंने चरित के साथ 4th विकेट के लिए 43 रन भी जोड़े। ओपनर फर्नांडो को राहुल चहर ने पृथ्वी शो के हाथों कैच कराया और वह टीम के 6th विकेट के तौर पर पारी के 37वें ओवर में पवेलियन लौटे। तब टीम इंडिया का स्कोर 214 रन पहुंच चुका था। उन्होंने 98 गेंदों का सामना किया और 4 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत के लिए युवा पेसर चेतन सकारिया और स्पिनर राहुल चहर ने 2-2 विकेट छटके, जबकि कृष्णप्पा गौतम और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिए। इससे पहले युवाओं से भरी भारतीय टीम की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 43.1 ओवर में 225 रन ही बना सकी। उसके अंतिम 7 बल्लेबाज मात्र 68 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत का 4th विकेट 157 के स्कोर पर मनीष पांडे के तौर पर गिरा और पूरी टीम 255 पर ऑल आउट हो गई। युवा ओपनर पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में टीम नाकाम रही। इस मुकाबले में भारत ने 5 खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू का मौका दिया था। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट गेम ने तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।